नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के लिए जोर शोर से हो रही है तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप हुआ खत्म। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 31 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। अगर आप भी हैं बेरोजगार तो पा सकते हैं प्रतिमाह 1000 रूपए। अप्रैल के इस सप्ताह में आ सकती है 10वीं का परिणाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस के लिए जोर शोर से हो रही है तैयारी। 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है। ऐसे में इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में इसका आयोजन 15 दिन पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही अब बिहार में भी इसकी तैयारियां शीर्ष पर है। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी तैयारी देखी जा सकती है। गांधी मैदान में समारोह को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी और 80 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। गांधी मैदान के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर और प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रशासन की तरफ से गेट नंबर 5, 6, 7 और 8 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसमें 7 नंबर गेट 22 मार्च को आम लोगों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन शाम को ड्रोन का प्रदर्शन किया जाना है। मार्च महीने में ही पारा पहुंचा 40 पार। मार्च महीने में जून जुलाई जैसी गर्मी महसूस हो रही है। लोग अभी से ही आग उगलती धूप से परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो मार्च महीने में ऐसी गर्मी पिछले 10 सालों में नहीं पड़ी थी। मार्च महीने में ऐसी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। रविवार को बांका राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही वहां का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। लोगों को ऐसी ही गर्मी आज भी महसूस हो रही है। अचानक से बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बने रहने की उम्मीद भी जताई गई है। कोरोना के तीसरे लहर का प्रकोप हुआ खत्म। पटना एम्स के डॉक्टरों ने एक राहत भरी खबर दी है। एक तरह से ये पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की खबर है। दरअसल पटना एम्स की डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है कि बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप खत्म हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि रविवार को वायरोलॉजी लैब में 186 लोगों की जांच हुई और सभी कोरोना नेगेटिव पाए गए। इससे लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मालूम हो कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी की तुलना में कम घातक रही। टीकाकरण और लोगों की सतर्कता के कारण ही तीसरी लहर उतना कहर नहीं बरपा सकी थी। अब यह सुखद खबर है कि तीसरी लहर खत्म हो गई है। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की तारीख बढ़ी। केंद्रीय विद्यालय की शाखाएं लगभग राज्य के सभी जिले और प्रमुख शहरों में मिल जाती है। ये विद्यालय कम खर्च में बेहतर शिक्षा पाने का अच्छा विकल्प साबित करती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि पहली कक्षा से 11वीं तक ली जानी है। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। चयनित बच्चों की पहली सूची केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी सूची 25 अप्रैल को जारी होगी। तीसरी सूची 2 मई को जारी की जाएगी। बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार दिवस की स्थापना पर इस बार विशेष तौर पर तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने गांधी मैदान में घूमकर मुख्य मंच और अन्य जगहों पर कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार दिवस के अवसर पर पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए उद्योग विभाग की पवेलियन में पटना हाट लगाया जा रहा है, जहां लोगों को स्वादिष्ट खाने की चीजें मिलेंगी। इसके साथ ही यहां बिहार के सभी पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर बिहार के 38 जिलों के शिक्षक और विद्यार्थी आमंत्रित किए गए हैं। इस बार का बिहार दिवस इसलिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि पटना में पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 ड्रोन शामिल होंगे और गांधी मैदान के ऊपर आसमान में अपने कर्तव्य को दिखाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री पर मिलेगी 100% की छूट। बिहार सरकार उद्योग के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जोर शोर से लगी हुई है। इसके लिए सरकार लोगों को विशेष सुविधा भी मुहैया करवा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि उद्योग लगाने के लिए खरीदी जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री पर 100% छूट दी जा रही है। मतलब यह है कि जमीन की रजिस्ट्री में आपको 1 रुपया भी शुल्क नहीं लगेगा। इस संबंध में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी होगी। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 31 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के टर्म 1 की परीक्षा परिणाम को हाल ही में घोषित किया था, जिसके बाद ही सभी स्कूल में इसे भेज दिया गया है। इस बार विद्यार्थी अपने परिणाम सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, अभी केवल मार्क्स जारी किए गए हैं। फाइनल रिजल्ट बोर्ड टर्म 2 की परीक्षा के बाद जारी करेगा। मार्कशीट फेल पास या रिपीट का डिक्लेरेशन टर्म 2 की परीक्षा के बाद जारी किया जाएगा। बोर्ड ने परिणाम के साथ ही मार्क्स पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को जारी कर दिया है।
31 मार्च तक ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही 10वीं के विद्यार्थी टर्म 2 की परीक्षा में बैठने के लिए क्वालिफाई कर लिए गए हैं। इस गांव में मिले सोने के सिक्के, बिहार के बक्सर जिले के बलाव गांव में एक खेत में सोने के सिक्के मिले हैं। दरअसल गांव की एक बुजुर्ग महिला अपने पशु को बांधने उस खेत में गई थी। खूंटी उखाड़ने के दौरान उस बुजुर्ग महिला को 2 सोने के सिक्के मिले। सिक्के मिलने के बाद ही वो इसे लेकर वापस अपने घर आ गई, जिसके बाद ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। जिसके बाद ही कुछ युवक वहां वापस गए और खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें भी एक सोने का सिक्का मिला। वापस से सोना मिलने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये खबर जमकर शेयर की जा रही है। अगर आप भी है बेरोजगार तो पा सकते हैं प्रतिमाह 1,000 रूपए। कोरोना के बाद देश के साथ साथ बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में 12वीं पास युवा बेरोजगार के लिए राज्य सरकार की तरफ से तोहफा दे रही है। जी हां, अगर आप भी 12वीं पास है और बेरोजगार हैं और आपकी आयु 20 से 25 साल के बीच में है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर आपको इसमें 1,000 रूपए प्रतिमाह की दर से मिलेगा। आप चाहे तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप www.satnishay-yuva-upmission.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन का लाभ भी ले सकते हैं। शिक्षक नियोजन के 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए छिड़ी मुहिम। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर एक बार फिर से विद्यार्थियों ने मुहिम छेड़ दी है। हालांकि ये मुहिम ऑनलाइन है। गौरतलब है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 6 चरणों तक संपन्न हो चुकी है और अब सभी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के इंतजार में है, जिसमें सरकार एक बार फिर से लेट लतीफी दिखा रही है। ऐसे में 6ठे चरण में वंचित रह गए 1,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को ट्विटर पर #issue7phase128soon के साथ ट्विटर कैंपेन किया, जो ट्विटर पर रिकॉर्ड 5,50,000 ट्वीट के साथ पूरे भारत और बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में रहा। एक बार फिर से लोकसभा में उठा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुद्दा। भागलपुर का ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठा। झारखंड के गोड्डा का प्रतिनिधित्व करने वाले निशिकांत दुबे ने पर्यटन और रेल की बात रखते हुए सवाल किए। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए रेल लाइन नहीं होने की बात कही और सुझाव दिए। साथ ही कहा कि वो लंबे समय से इसके पुनर्स्थापना का इंतजार कर रहे हैं और जब से सांसद बने हैं तब से इसके लिए प्रयासरत है। मालूम हो कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल के ठीक बगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला लिया गया है। अप्रैल के सप्ताह में आ सकता है 10वीं का परिणाम। बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट रिकॉर्ड समय पर दे दिया है, लेकिन 10वीं का रिजल्ट रिकॉर्ड समय पर देने में संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारी तो पूरी कर चुका है, लेकिन पूर्वी चंपारण में गणित की परीक्षा में नकल के कारण हो रही दोबारा परीक्षा के कारण माना जा रहा है कि इस बार अब रिजल्ट अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में आ सकता है। गौरतलब है कि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच हुई थी। बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने नीतीश सरकार को लिया आड़े हाथ। एक बार फिर से शराब पीने से हुई मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां भागलपुर में जहरीली शराब पीने से कुल 17 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद एक बार फिर से शराबबंदी फेल का मुद्दा सामने आया है और बड़ी विपक्षी टीम कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, ये जान जाने का सिलसिला सरकार और प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रही है, इसकी आड़ में जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से जगदानंद सिंह को लिया आड़े हाथ। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। वो या फिर अपने काम को लेकर के या फिर खुद अपने पिता की पार्टी राजद और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर हो, इन दोनों की आपस में कभी नहीं पड़ती है। और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के फैसले पर आपत्ति जताई है, साथ ही उन्हें तानाशाहक बता दिया है। दरअसल हफ्ते भर पहले जब जगदानंद सिंह ने चंदेश्वर को उनके पद से हटा दिया तो तेज प्रताप ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करने वाले को हटाया गया है। बहुत तकलीफ हुई कि जब उन्हें देखा कि वो किस तरह से तानाशाही के शिकार हुए हैं। आईसीसी ने बीसीसीआई को दिया बड़ा झटका। आईसीसी ने बीसीसीआई को बड़ा झटका दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए डे नाइट मैच, जो कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच पर खेला गया था, इस पिच का औसत रैंकिंग आईसीसी ने कम कर दिया है। इस प्रकार आईसीसी पिच और आउटफील्ड निगरानी प्रक्रिया के तहत स्थल को एक डिमेरिट अंक प्राप्त हुआ है। इस स्टेडियम के पिच को लेकर श्रीनाथ ने एक बयान में कहा है कि पिच ने पहले दिन ही काफी असमतल उछाल दिया था और हालांकि हर सत्र के साथ इसमें सुधार हुआ, लेकिन मेरे विचार से ये बल्ले और गेंद के बीच का मुकाबला नहीं था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है वैद्यनाथ ठाकुर, सलीम भाई, कुश कुमार यादव, सुरेश प्रसाद, विशाल कुमार जायसवाल, हरखेन कुमार तिवारी, विजेंद्र सिंह, शंकर मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बेरोजगारों को प्रतिमाह 1,000 रूपए देने की योजना फायदेमंद साबित हो रही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।